बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक कैटरीना कैफ है। कैटरीना के चमचमाते करियर की तारीफ तो सभी करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानते हैं। आज हम आपको कैटरीना के बारे में 20 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। नंबर वन, कैटरीना का जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में कैटरीना हवाई चली गई, फिर लंदन, फिर उसके बाद मुंबई आ गई। नंबर टू, कैटरीना ने सिर्फ 14 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी। फिल्मी करियर की बात करें तो साल 2003 में डायरेक्टर कैजाद गुस्ताद ने उन्हें एक फैशन शो के दौरान देखा और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बूम में कास्ट कर लिया। नंबर थ्री, साल 2003 में फिल्म बूम से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली कैटरीना की यह पहली फिल्म थी। हालांकि इससे पहले वो इसी साल जॉन अब्राहम की फिल्म साया से अपने यहाँ डेब्यू करने वाली थी। साया की शूटिंग कैटरीना ने 2 दिन की थी, लेकिन इसके बाद उनकी जगह तारा शर्मा को कास्ट कर लिया गया था। नंबर फोर, कैटरीना को फिल्म से बाहर करने का कारण उनकी लैंग्वेज थी। कैटरीना को उन दिनों हिंदी बोलना नहीं आता था। कैटरीना को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी है तो उन्हें हिंदी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। नंबर फाइव, कैटरीना की डेब्यू फिल्म में बूम में एक ऐसा सीन था जिसमें गुलशन ग्रोवर को कैटरीना कैफ को किस करना था। इस सीन में उनके साथ अमिताभ बच्चन भी थे। यह बहुत ही असहज करने वाली स्थिति थी। कहते हैं कि गुलशन और कैटरीना 2 घंटे तक बंद कमरे में एक दूसरे के साथ किसिंग प्रैक्टिस सीन करते रहे। नंबर सिक्स, ब्लू फिल्म की रिलीज के बाद कैटरीना को भारत में मॉडलिंग के लिए बुलाया जाने लगा, लेकिन कैटरीना को उस समय हिंदी बोलने में काफ़ी दिक्कत होती थी। यही कारण था कि बड़े डायरेक्टर उन्हें फिल्मों में कास्ट नहीं करते थे। नंबर सेवन, बॉलीवुड डेब्यू के बाद कैटरीना ने कई तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया। साउथ की फिल्म मल्लेश्वरी के लिए कैटरीना को 70 लाख रुपए की फीस दी गई, जो कि उस समय साउथ इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा मानी जाती थी। नंबर एट, कैटरीना कैफ का असली नाम कैटरीना टर्केटी है। कैटरीना कैफ के पिता का नाम मोहम्मद कैफ था, जिसकी वजह से डायरेक्टर कैजाद गुस्ताद ने उन्हें भी कैटरीना को टर्केटी की जगह कैफ लिखने की सलाह दी, और जिसे कैटरीना ने मान लिया। बाद में कैटरीना इसी नाम से बॉलीवुड में फेमस हुई। नंबर नाइन, कैटरीना का परिवार काफ़ी बड़ा है। उनकी 6 बहनें और 1 भाई हैं। कुल मिलाकर 8 भाई बहन हैं। कैटरीना अपने परिवार के काफ़ी क्लोज रहती हैं। नंबर टेन, कैटरीना की माँ का नाम सुजैन है, जो कि चैरिटी के लिए दुनिया भर में काफ़ी मशहूर हैं। कैटरीना की माँ बिना फीस के बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं। चैरिटी के काम में कैटरीना अपनी माँ की काफ़ी मदद करती हैं। नंबर 11, सलमान खान ने 2004 में कैटरीना कैफ को मैंने प्यार क्यों किया में चांस दिया और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई, और धीरे धीरे दोनों का रिश्ता बढ़ता गया, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। नंबर 12, मैंने प्यार क्यों किया के बाद कैटरीना का करियर चमकना शुरू हो गया। इसके बाद साल 2005 में उन्हें लैक्मे इंडिया फैशन वीक का फेस ऑफ द ईयर चुना गया। नंबर 13, एक्टिंग के साथ कैटरीना को पेंटिंग करना और चेस खेलना बहुत पसंद है। वह शतरंज की एक महान खिलाड़ी भी हैं। नंबर 14, कैटरीना अपनी हर फिल्म के रिलीज से पहले अजमेर शरीफ की दरगाह, सिद्धि विनायक मंदिर और माउंट मैरी चर्च ज़रूर जाती हैं। नंबर 15, कैटरीना के पास बांद्रा में एक अपार्टमेंट है जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ 20 लाख रुपए है। इसके अलावा उनके पास एक लोखंडवाला में भी अपार्टमेंट है जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए है। नंबर 16, कैटरीना के पास कई लग्जरी कारें हैं। उनके लग्जरी कार कलेक्शन में ऑडी Q3, ऑडी Q7 और मर्सिडीज ML 350 है। नंबर 17, कैटरीना कैफ अपनी लचीली बॉडी और डांस मूव के लिए काफ़ी फेमस है। उनका मानना है कि डांस की मदद से कोई भी अपनी बॉडी को फिट रख सकता है। वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज और जिम में वर्कआउट करने की जगह अगर आप डांस भी कर रहे हैं तो आप अपना पुराना फिगर वापस पा सकते हैं। नंबर 18, कॉफ़ी विद करण सीजन 6 में कैटरीना वरुण धवन के साथ इस शो में शामिल हुई थी। इस शो में वरुण ने कैटरीना की एक अजीब आदत का राज खोला। वरुण ने बताया कि कैट को जो भी चीज़ें पसंद आती हैं वो उसे उठाकर ले जाती हैं। वरुण ने बताया कि कैट मिनी माथुर की एयररिंग्स, यास्मिन कराची वाला की वर्कआउट ड्रेसेस और मेरे चश्मे भी ले गई। हालांकि खुद पर लगे इल्ज़ाम पर कैटरीना ने सफाई दी कि वो चीज़ें पूछ कर ले जाती हैं। नंबर 19, कैटरीना कहती हैं कि अगर उन्हें कोई सुपर पावर मिले तो वह दिमाग पढ़ना पसंद करेंगी, क्योंकि वह कहती हैं कि ऐसा करने से हम कभी दुखी नहीं होंगे, ना ही हमारा दिल कभी टूटेगा, क्योंकि सामने वाले के दिमाग में जो चल रहा है वो हमें पहले ही पता चल जाएगा। नंबर 20, सलमान खान के बाद कैटरीना कैफ का नाम रणवीर कपूर के साथ भी जुड़ा था। दोनों कई बार एक दूसरे को डेट पर, वैकेशंस पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते देखा गया था।
हालांकि दोनों का यह रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका, फिर दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप की वजह रणवीर कपूर की माँ नीतू कपूर बताई जाती हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको कैटरीना की जोड़ी सबसे ज़्यादा किसके साथ अच्छी लगती है।